पूर्व से उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के बैनर तले आधा दर्जन लोग कोरोना काल के चलते स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस माफी की मांग को लेकर अनिश्चितकाल हठयोग भूख हड़ताल पर बैठे थे, मगर जिलाधिकारी के द्वारा प्रदर्शनकारियों की तीन मांगों को मानते हुए धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया गया है। अभिभावक संघ ने अनशन को हठयोग भूख हड़ताल का नाम दिया था, वहीं अनशन को एसीएम प्रथम ने समाप्त कराकर सभी को मिठाई खिलाई। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश अभिभावक संघ के बैनर तले तमाम संगठन एक साथ मिलकर प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों की फीस माफी की मांग कर रहे थे, मगर कहीं भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो अभिभावकों ने अनिश्चितकालीन हठयोग धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया। ये धरना लगातार 7 दिनों तक चला, वहां 2 अभिभावकों की तबियत भी बिगड़ी, मगर अभिभावकों ने धरना समाप्त नहीं किया। जिसके बाद जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों के साथ बैठकर उनकी 3 सूत्री मांगों में से ऑनलाइन क्लास चालू रहे, फीस न जमा करने पर नाम कोई भी स्कूल नहीं काटेगा, और साथ ही सबसे मुख्य मांग फीस माफ को शासन के पास प्रस्ताव भेजा जाएगा और उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन जिलाधिकारी की तरफ से दिया गया। जिसके बाद एसीएम प्रथम आरपी वर्मा ने सभी प्रदर्शनकारियों को मिठाई खिलाकर धरना प्रदर्शन समाप्त करा दिया। प्रदेश में अपनी खोई राजनीति